सर पूछना ये था कि हमारे पास ना जानवर वगैरह रखे हैं पाकिस्तान में, तो एक बफलो थी, भैंस थी, तो तकरीबन वो कह रही हीट में आती थी, हमने खरीदी थी, जी तो भी रखवाते थे फिर हीट में आ जाती थी, ठीक। तो दो तीन दिन मतलब ऐसा हुआ, तो फिर डॉक्टर से मशवरा किया, तो उसने कहा कि इसमें दवाई रखनी पड़ेगी, जी तो दवाई रखा गया, तो डॉक्टर 4 महीने हो गए हैं, तो वो हीट में नहीं आई, जी तो ये हो गई एक। और दूसरी है वो लड़की लक्षण की है कुंडी, जी की हाँ, कुंडी सिंधी है, कुंडी, सिंधी कुंडी काली होती है, हाँ ब्लैक, जी जेट ब्लैक जी होती है। तो ये काली होती है, पाकिस्तान में सिंधी कौन ब्लैक सा? होती है, काली जी। ब्लैक होती है, तो सिंधी थोड़ी हाँ हाँ वो छोटी बताएं होती क्या है, हुआ उन उसको। पर उसको भी 6 महीने हो गए हैं सुई को, लेकिन अभी तक वो भी हीट में नहीं है, ठीक, कौन सी जगह पे तो पाकिस्तान में? एक फ्रेशियन सर, हम जिला चांद में है, तहसील अहमद हजरत सुल्तान बाग के करीब, ठीक, तो अच्छा तीसरा क्या है? तो ठीक वो भी अभी तक हीट नहीं आई, 2 दांत हो गई है, ठीक इसके लिए हमने डॉक्टरों से मशवरा दिया था, उन्होंने कहा तो इसकी वगैरह भी नहीं, पहले भी दिया फिर शुरू किया, इसके लिए कुछ आप और कुछ बेहतर बताएं जो हो जाए जल्दी, अल्लाहु अकबर। इसलिए मैंने कहा आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं या आप लिख पढ़ सकते हैं? लिख लेंगे। नहीं, आप लिखने के मूड में हैं या रिकॉर्डिंग के मूड में हैं? लिख रहे हैं। और प्लीज नोट कर लें, मैं इतने प्रोग्राम्स इस पे कर चुका हूँ कि ये हीट में क्यों नहीं आती, अगर आ जाती हैं तो ठहरती क्यों नहीं है। पहले तो नंबर ये है कि जो गाय फ्रीजियन आपकी प्योर बीज रखवाया और वो इस एज में उसको हीट में आना चाहिए, लेकिन उसको हीट में लाने के लिए, सुन रहे हैं या नहीं? जो हीट में लाने के लिए इनको खुराक जो होती है ना, वो बैलेंस्ड खुराक दी जाती है, वंडा जो होता है मतवाजन वंडा। मैं इनके बहुत सारे फार्मूले दे चुका हूं कि मतवाजी वंडा, मतवाजन क्या होता है, बैलेंस्ड डाइट जिसमें हर चीज होती है उसमें, और वो आप देखेंगे तो आपको हर चीज उसमें मिलेगी, ठीक है? लेकिन आप उनको एक तो मतवाजी वंडा दें, और वंडे में खास तौर पे अगर ना भी देना हो तो खले कम अज कम उनको उसको जरूर खल वगैरह खूब देते हैं ना, तो ये हीट में आ जाती हैं, प्रोटीन का लेवल बढ़ता है तो हीट में आ जाती हैं। लेकिन यह है कि बेहतर हो कि इनमें दूसरे अज्जाए खुराक के जो अज्जा हैं प्रोटीन के अलावा, वो रेशादार अज्जा होते हैं, चिकनाई होती है, कैल्शियम होती है, फास्फोरस होती है, ये सारी चीज़ें, और ख़ास तौर पे आयोडीन। आयोडीन की जब कमी होती है तो नस्ल कशी का अमल हमेशा सुस्त हो जाता है, ये याद रखें। तो ये प्लीज़ इसको बैलेंस्ड डाइट वो देनी शुरू करें, और अभी ये खुद ब खुद ही हीट में आ जाएंगी। अगर नहीं आती तो फिर आप एक डेलमाजीन का टीका मैं बताता रहता हूँ, और अरसा हो गया है लोग उस पे देख रहे हैं, और डेलमाजीन, बेल मस्जिद हाँ ये कितने सीसी है?
सिर्फ और सिर्फ दो सीसी, दो सीसी, टू सीसी सिर्फ, डेल माजीन, DALMAZINE। सबको लिए दो दो सीसी का लगाएंगे तो सारी हीट में आएंगी, लेकिन बफलो अगर उसका आपने रहम का उसका इलाज सही नहीं करवाया तो फिर मसला है, फिर दोबारा से रिपीट कर जाएगी। इसलिए बेहतर है सबसे पहले उसका, जो पहले रिपीट कर चुकी है उसको, उसका रहम का पूरा इलाज करवाएं, उसको वो यूट्रस फ्लोर हो सकता है वो रखें, ठीक है, उसके रहम में, और या फिर कोई इंजेक्शंस वगैरह लगाएंगे, वो डॉक्टर बेहतर जो वहाँ का लोकल है ना वो उसको चेक करके देख के बता सकता है। लेकिन जब उसका रहम का इलाज सही हो जाएगा तो फिर भी आपने, फिर जब भी इसको टीका रखवाना है या आपने हीट में लेके आके, यानी डेलमाजीन का टीका लगा के हीट में आ जाएगी, हेलो, तो उसके बाद आपने जब टीका रखवाना है या इसको कुदरती मिलाप कराना है तो डेलमार्लिन एक और होता है टीका, वो डेलमार्लिन का 1 घंटा पहले आपने वो लगवाना है और उसके बाद बीज रखवा देना है या कुदरती मिलाप करा देना है। हाँ जी, सही है सर, ये 2 सीसी। हाँ जी, वो लिखा होता है 2 सीसी का टीका है वो लगता है, तो उससे ये पहले वो लगाते हैं 1 घंटा पहले डेलमार्लिन का जो रिपीट कर रही है उसके, और उसके बाद डेलमार्जिन का तो खैर जरूरत नहीं होती, अगर हीट में आ गई है शाम को हीट में आपके उसके जानी कैफियत देखें तो सुबह उसमें बीज रखवा दें या मिलाप करा दें, अगर सुबह आप देखें तो शाम को करा दें। ठीक है सर, वो ठीक है आपकी बात। तो ये जो बहस रिपीट हो रही है ना सर, इसमें दवाई रखाई है उन्होंने ना, बस दो बार तो रखी है। हाँ जी, दो मतलब मतलब कि उसने दवाई रखी है, ठीक अगर है, ठीक है समझते सर, हैं मैं वो, आपको बता अगर देता। अगर डॉक्टर सेटिस्फाइड है कि इसका इलाज हो चुका है तो फिर भले आप बिस्मिल्लाह करके डेलमाजीन का लगा के टीका उसको हीट में ले आए और 36 से 72 घंटे के अंदर अंदर वो हीट में आ जाएगी, और उसके बाद जब हीट में आ जाए तो आप 12 घंटे बाद गाय को और 24 घंटे बाद हम भैंस को कहते हैं कि लगवा दें, या आप, मैं जो आपको एक सेट सा बना फार्मूला दे रहा हूं, अगर शाम को अगर वो हीट में आप उसको 2 टाइम देखते हैं, चेक करते हैं, 1 6 बजे सुबह 1 6 बजे शाम को, कि क्या क्या कोई हीट में जानवर है नजर आ रहा है कि नहीं, अगर आपको शाम को नजर आए हीट में है तो सुबह उसको रखवा दें बीज, या उसको सुबह उसका मिलाप कुदरती करा दें, अगर सुबह हुई है तो शाम को करा दें, और मेरी जान ये इस वक्त टाइम क्या हो गया है? ये हमारे पास तकरीबन 8 बजे हैं। 8 बज गए हैं, हमारे पास 10 बजने वाले हैं, और मैं सुबह 11 बजे से 1 बजे तक पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, इनके लिए सुबह 11 से 1 बजे तक कॉल्स लेता हूँ। आज भी मेरी 18-19 कॉल्स हैं और वो रिकॉर्डेड हैं, वो अब उनको अभी करना है, फिर उसके बाद 4:30 से लेके 5:30, 1 घंटा लेता हूँ यूरोप के लिए और ओवरसीज के लिए, उसमें भी 8-10 कॉल्स हैं, तो ये मैं सारी रात भी लगा रहा हूं, तो ये मूवी मेकर में तो ये मैं अपलोड नहीं कर सकेगा, कामयाब नहीं हूंगा, ये सारी रात जागूंगा तो तब भी, तो आप प्लीज आइंदा जब भी हो ये टाइम की पाबंदी करें और देखें कि किस वक्त 11 से 1
आप लोगों के लिए या फिर ओवरसीज के लिए, जब मैं कहता हूं आप चूंकि सऊदीया से बोल रहे हैं तो, और आप 4:30 से 5:30 के दरमियान कॉल करके तो आप अपने सवालात का जवाब ले सकते हैं। लगता है कॉल खत्म हो गई, कट गई। इस प्रोग्राम का इख्तिताम इस हदीस मुबारक पर कर रहा हूँ। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला बंदे की इस अदा पर खुश होता है कि वो खाना खाए तो उस पर अल्लाह की तारीफ़ बयान करे, या पानी पिए तो उस पर अल्लाह की तारीफ़ बयान करे। मैं सही मुस्लिम से कोट कर रहा हूँ। दुआओं में याद रखें, फी माल्लाह। फोन नंबर 0333-512-1879।